बॉलीवुड सेलेब्स को कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है और ऐसा ही एक्सपीरियंस हाल फिलहाल फिल्म सत्यमेव जयते फेम एक्ट्रेस आयशा शर्मा को भी हुआ। हालांकि ट्रोलिंग का शिकार होने के बाद आयशा चुप नहीं बैठी, उन्होंने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल आयशा हाल ही में जाने माने फिल्म डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा की पार्टी में पहुंची थी। इस पार्टी में आयशा के अलावा कई जाने माने सितारे शिरकत करने पहुंचे थे, जिनमें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे के साथ साथ मानुषी छिल्लर का भी नाम शामिल है। इन सभी सितारों ने पार्टी में एंटर करने से पहले कैमरा के सामने पोज भी दिए, लेकिन जैसे ही सत्यमेव एक्ट्रेस आयशा शर्मा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो उनके बोल्ड लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जानकारी के लिए बता दें कि आलिया इस पार्टी में प्रिंटेड बैकलेस जंप सूट पहनकर पहुंची थी, जो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी रिवीलिंग लगा। हालांकि वो खुद भी अपनी ड्रेस में थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दी, क्योंकि वो मीडिया के सामने पोज देते हुए भी अपनी ड्रेस को देखती नजर आई। वैसे जहां तक बात की जाए आयशा के मेकअप की, तो उन्होंने लाइट मेकअप किया था। आयशा की इस पार्टी वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल होते जरा भी देर नहीं लगी और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने आयशा को गरीबों की पूनम पांडे बताया तो वहीं किसी ने उनको इजीली अवेलेबल बताया। इसके अलावा भी कई तरह की बातें आयशा को लेकर लिखी गई। वहीं अब आयशा ने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि ये पूरी तरह से इर्रिस्पॉन्सिबल है कि महिला जो पहनती है उससे उसके कैरेक्टर और अवेलेबल होने का पता चलता है। वो वही पहनती हैं जो वो पहनना चाहती हैं। लोग क्या कहते हैं वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, लेकिन मेरी ड्रेस को लेकर मेरे कैरेक्टर पर टिप्पणी करना और मेरे नैतिक मूल्यों पर सवाल उठाना ये पूरी तरह से गलत है। जो लड़की साड़ी पहनती है वो भी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसी के साथ आयशा ये भी लिखती हैं कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे देश में पुरुष महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करते हैं और उन्हें किसी वस्तु से कम नहीं समझते। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।